नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के अंदर जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं उसको लेकर चर्चा की है और स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री कई मुद्दों को लेकर असहमत हैं और इन्हीं तमाम असहमतियों के बीच सीएम ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का बड़ा बयान सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्टूबर के महीने में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर चर्चा कर चुके हैं कि अक्टूबर तक हो जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस देर कर रही है। वहीं संजय झा ने एक चीज तो स्पष्ट कर दिया कि इस गठबंधन की जो कमान है, भले ही अन्य दल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पटना के अंदर जो बड़ी रैली होनी है उस रैली के जरिए नीतीश कुमार अपनी ताकत को प्रदर्शित करेंगे। दरअसल संजय झा ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में पटना में भी इंडिया गठबंधन के तहत एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके पहले भोपाल में एक रैली होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश उस रैली को टाल दिया गया। हालांकि इसके बारे में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार से जब यह सवाल किया गया कि भोपाल वाली रैली टल गई, तो नीतीश कुमार ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसके बारे में तो उन्हें जानकारी ही नहीं है और वो अपने आसपास के नेताओं से पूछते हुए नजर आए। दरअसल इंडिया गठबंधन जब से बना है उसकी पहली बैठक पटना में हुई, जिसके बाद बेंगलोर महाराष्ट्र होते हुए इस गठबंधन के नेता देश के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं, लेकिन बिहार में जो पहली बैठक हुई थी उसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। उसके बाद नीतीश कुमार की जो सक्रियता है इस बैठक में कहीं ना कहीं कम हुई। नीतीश कुमार के द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर भी विचार इस गठबंधन के नेता नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब पटना में मुख्यमंत्री एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। जनता दल यूनाइटेड राजद संयुक्त रूप से इस बड़ी रैली का आयोजन करेगी पटना के अंदर, जिसकी जानकारी जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा ने स्पष्ट रूप से दिया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में अपार संभावनाएं हैं विपक्षी गठबंधन को लेकर, तो वहीं देश स्तरीय इस गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर चर्चा पहले हो जानी चाहिए ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। नीतीश कुमार ने ही यह तय किया था कि एक सीट पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार हो, जिसको लेकर सहमति बनी भी है। तो देखने वाली बात यह होगी कि जनवरी के महीने के पहले यानी इस साल के दिसंबर तक एक बड़ी रैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में कराए जाने की बात चल रही है, तो इस रैली के जरिए क्या कुछ संदेश देने की कोशिश जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को और तमाम बड़ी पार्टियों को देती है। वही भोपाल वाली रैली रद्द होने के बाद अब कब और कहां रैली होती है इसको लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है, तो इंतजार करना होगा। तमाम चीजों की जानकारी अब खुद कहीं ना कहीं बैठकों के जरिए तो सामने निकल कर आएगा ही, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो पटना में रैली होने वाली है उसको लेकर जनता दल यूनाइटेड लगातार तैयारी कर रही है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।